सो सब तो पहला मैं महान गदरी योधे जिन्होंने साड़ी आजादी का सुपना लिया सी उन्होंने समर्पण करता हुआ अपने गुरु की बख्शी हुई फतेह अर्ज करदा तुहानू सारयां नू जवाब देना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला वरियाम सिंह संधू होरी बोल के गए ने उन्होंने काफ़ी गल्लों का अपने भाषण के विच जवाब भी दिता ते नितारा भी किया। मसलन उन्होंने एक गल कही सी कि उन्होंने जिहड़े पिता ने वह गदरी बाबयां नू चोर डाकू लुटेरे समझते सन। उन्होंने कारण भी दस्या कि बापू का कसूर नहीं, कसूर जिहड़ियां स्थापित सरकारां हुंदियां ने हुकमरान धिर हुंदी आ जिहड़ी उसने लोगों के प्रचार उस तरीके नाल करना होंदा है कि वह जिहड़े कौम के हीरे होंदे ने जिन्हां ने तुहाडी सरजमीन आजाद कराउण दे लई तुहाडी आजादी लई सुपना लिया होवे, घोल लड़े होण, संघर्ष किया होवे, उन्हां नूं वो चोर डाकू लुटेरे बना के पेश कर दियां ने। उदों तो लैके हुण तक इदां ही होया। भावें तुसीं मसनवियां पढ़ लो, भावें तुसीं गुरु काल का इतिहास पढ़ लो, भावें तुसीं अज का इतिहास पढ़ लो। सो जदों असीं गदरी बाबयां बारे जानना होवे जां इतिहास के उस पक्ष बारे जानना होवे जिहदे नाल साडी पीढ़ी की असी तो बहुत देर बाद जन्म लिया, असी तो 1947 दीआं घटनावां नूं हाले तक ब्लैक एंड वाइट तस्वीरां दे राहीं चेतवदे आ देख के उन्हां नूं कि उदों की होया होगा साडे जिहड़े उधरों भरा उजड़ के आए ने उन्हां दे नाल। सो ऐसे तरह का 1947 तो बहुत समा पहला जदों गदर लहर पंजाब दे विच सी, जदों गदर लहर का पतन होया, जदों गदरी बाबयां नूं सजावां होईयां, उस वेले दे हालात की होणगे वो असी बहुत अगे जाके काल्पनिक तौर दे उत्ते चितवण की कोशिश करते हैं, उन्हां नूं जीवण की कोशिश करते हैं कि जदों शहीद करतार सिंह सराभा होरी अमरीका तो चल के भारत गए होणगे तां की उन्हां दे मन दे विच वलवले होणगे। जदों शहीद करतार सिंह सराभा छौणियां दे विच जांदा सी, सिख फौजां नूं मिलदा सी, सिख फौजियां नूं मिलदा सी, की विचार प्रगट करता होएगा। जदों एक वड्डी उम्र दे भाई रणधीर सिंह जी उन्हां दे नाल एक छोटी उम्र दे बच्चे की 16-17 साल की उम्र होंदी है, की उम्र होंदी है, जदों उन्हां दा आपस दे विच विचार वटांदरा होगा तां किस पद्धर दा विचार वटांदरा होगा, यह मन दे विच कल्पना चितवन पैदा होंदा है। जिहड़ी सुती हुई चेतना वह जगाउण की कोशिश करते हैं असीं, पर साडे कोल की है उन्हां गदरी बाबयां बारे जानकारी हासिल करन दे लई? साडे कोल कुछ इतिहास दे वरके ने, साडे कोल साडे लेखकां दा लिखिया होया कुछ इतिहास आ गदरी बाबयां बारे, असीं उहनूं पढ़दे हाँ। कई बार तो गल उतों की लंघ जाती है, कदे कोई कोई शब्द, कोई कोई वाक, कोई कोई फिकरा इदां दा आ जांदा, उहदे ते सोचण लई मजबूर हो जांदे हां। उह सारा इतिहास उहनां दा लिखिया होया असर क्यों नहीं करदा? ई एच कार है एक पछमी विद्वान होए ने, उन्होंने कहा कि जिहड़ा इतिहासकार है ना वह जरूरी है उसके लिए कि वह जिस दे बारे इतिहास लिख रहा है वह उन्हां लोकां बारे, उस भाईचारे बारे, उस कौम बारे जुड़िया हुआ होना चाहिए, उस दे नाल उसकी जिहड़ी संवेदना उस पद्धर ते जुड़ी हुई होनी चाहिए है, फिर ही वह वफा कर सकता वह अपनी कलम दे नाल। ये गल है हुण साडे च जो सानूं प्राप्त हो रहा है वो कई पक्षों तो प्राप्त हो रहा है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने उन्हें लिखा गदरी बाबयां बारे, अरबिंदो घोष ने लिखा, मैं जदों मालविंदर सिंह वड़ैच होरी लिख रहे थे उदों मैं डे एंड नाइट न्यूज़ से काम करता सी, उदों उन्हां दे नाल दो दो तीन तीन घंटे बैठ के गदरी बाबयां बारे गल्लां बातां चलियां, जिवें नामा फांसी वाला उहदे बारे दस्या संधू साहब ने। उन्हां दी चिट्ठी मैं देखी अपनी अखां नाल, उन्हां कोल सांभी हुई है चिट्ठी,
वह इतिहास लिख रहे हैं। मेरी राम कहानी, बाबा सोहन सिंह भकना की जिन्हें मेरी राम कहानी नहीं ना पढ़ी, वो उस तरीके गदरी बाबे नाल सांझ पैदा नहीं कर सकता है। एक सच है, उदे नाल जे जुड़ना, वो चिट्ठियां, उन्हां दियां तस्वीरां, उन्हां नूं देखना होएगा, उन्हां नूं वाचना होएगा, अध्ययन करना होएगा उन्हां दा, वो घटनावां दा, इतिहास दे वो पक्खां दा। सो जे असीं कुछ धारनावां बनाईआं ने जिहड़े स्थापित कदरां कीमतां दे नाल हो के लेखक चले, साडे बाबिआं ने तां बाद च वी जेलां भुगतियां, बहुत देर बाद तक संघर्ष करते रहे, किसानां लई संघर्ष किते उन्हां ने, अखौती आजादी बारे उन्होंने दस्या किवें दी आजादी कहानी मिली जी, जिवें दी मिली उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग दे नाल चानना पाया। उस अखौती आजादी के बाद भी उत्थे बहुत कुछ जिहड़ा है वो हाले तक जिहड़ी इंसानियत है उत्थे भारत दे विच जां उत्थों दा जिहड़ा बछिंदा वो हाले तक आज़ाद नहीं होया, हाले तक वो संघर्षमई है, हाले तक वो संघर्ष कर रहा। जे असी गदरी बाबिआं दे इस मेले दे विच अपने मन दे विच गदर पैदा करके नहीं ना जा सके, चाह दा कप ते पकौड़ा खा के ही चले गए, तो मैनू लगता कि यह उस तरह होगा जिवें बहुते लोग जदों गुरुद्वारे जाते हैं तो उन्होंने पता नहीं कि वह मत्था किनू टेक रहे हैं, तो उत्थे लिखा की होया, वो मत्था टेकी जाते हैं, प्रसाद लैके जाई जाते हैं, डॉलर चढ़ाई जाते हैं, ये फिर तुहाडा भी उस तरह का होगा। जे मन च गदर पैदा ना ना होया फिर उही तुहाडा ये कार्य होगा, ये मन दे विच गदर पैदा करना पैना। उन्होंने बहुत सारिया, संधु साहब ने तकलीफा दसिया, बीमारियां तो दसिया, इलाज नहीं दसिया, बहुत सारिया बीमारियां दसिया उन्होंने, सारी गल नूं उन्होंने ऐ सामने रखता कि आ कुछ होया, इलाज नहीं, इलाज गदरी बाबिआं दे मेले करवाओ, इहदे नाल चेतना तो जागती है, पता लगता बच्चों जिहड़े भंगड़ा पा के गए ने, जिहड़े भगत सिंह वांगू छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इत्थे आ के गए ने, चेतना तो जागती है, कदे फोटो देखणगे अपनी भविख दे विच उह वड्डे होके कहणगे मैं भी भगत सिंह बनिया सी, पर इहदे नाल किते कुछ हासिल बहुत देर बाद हुंदा, उह भी मेलिआं दा की सीमित रहिंदा, गदर पैदा नहीं हुंदा है। जिहड़ी आजादी है वह गदर दे नाल मिलनी है। साडे कोल मिसालां ने, सानू सही पहला निशानदेही करन दी लोड़ है घटनावां दी। जिहड़ियां फिरका जमातां, अरबिंदो घोष ने उत्थे एक परचा शुरू किया सी बंगाल दे विच युगांतर, होर सी उहनां दे दो तीन परचे, उहनां दे विच उहनां ने बहुत वो जिहड़ा डॉक्टर हेडगेवार जिन्हें आर एस एस बनाई 1925 च, वह भी उस परचे नाल जुड़िया होया सी। तुसी देखो भी उन्होंने मुकम्मल तौर दे उत्ते लकीर खिंची सी। वरियाम सिंधु होरां ने जिक्र तां कीता कि दूजियां कौमां दे भी बंदे शामिल सी, पर किन्ने, वह परचे ने एक लकीर खिंची सी कि मुसलमान जिहड़ा है वह फिरकू है, उस नूं राष्ट्रवादी होना पएगा। हुण इत्थे देश भगती ते राष्ट्रवाद दे विच फर्क आ गया। देश भगती जॉर्ज ऑरवेल है जिन्हें हिटलर के जिहड़े उत्थे जुल्म होए सी उन्हां दे बारे बहुत मुकम्मल उन्हें खोज पड़ताल की, उहदे बहुत किताबां लिखियां जॉर्ज ऑरवेल ने, उन्हें देश भगती ते राष्ट्रवाद का नखेड़ा किया, एक चीज़ नहीं है, वो कहता कि देश भगती वो चीज़ है जिहड़ा असी माण दे नाल करिए, माण दे नाल असी निरस्वार्थ तौर पर अपनी सरजमीन अपनी मिट्टी दे नाल प्यार करिए, उन्हें नतमस्तक होइए, उन्हें सल्यूट करिए, वो भावना एक मन दे विच वो होनी चाहिए है। वो कहता राष्ट्रवाद इस दे बिल्कुल उल्ट है, राष्ट्रवाद देश भगती नहीं है जिवें कि अज जोड़िया जा रहा है।
वो कहता राष्ट्रवाद वो चीज़ है जिहड़ी तुहाडे उत्ते उस चीज़ नूं जबरदस्ती ठोसे मजबूर करे देश दा भगत बनण लई कि तू आ चीज़ छड्ड दे पग बन्नणी छड्ड दे तू सिर ते टोपी लैणी छड्ड दे तू जिहड़ी तेरी खुराक आ वो खाणी छड्ड दे तू तू गऊ दा मास ना खा तू सूर दा मास ना खा तू बकरे दा मास ना खा तू नमाज ना अदा कर तू पाठ ना कर गुरुद्वारे दे विच तू स्पीकर बंद कर दे तेरी दाढ़ी चंगी नहीं लगती हैगी मैनू वो जबरदस्ती ठोसिया जा रहा तुहाडे ते वो राष्ट्रवाद है उन्हें मुकम्मल तौर पर जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है। सो इत्थे जे अरविंदो घोष हो रही डॉक्टर हेडगेवार हो रही तो उसके नाल ही अगे उस जमात चो लाला हरदयाल है जिहड़ी बंगाल दे विचों वो हुंदी उस स्कूल है जिहड़ा उन्हां दा जुगंतर वाला वो परचे दे राही। सो ये नखेड़ा नखेड़ा कर रहे ने जदों लाला हरदयाल इत्थों चले जांदे ने सैन फ्रांसिस्को तों उन्हां नूं मुल्क छड्डण दा हुक्म हो जांदा वो इंग्लैंड दे राही भारत जांदे ने उस तों बाद उन्हां दा काम ठप्प है। इतिहास पढ़ लो अगवाई जिहड़ी है बाबा सोहण सिंह भकना शहीद करतार सिंह सराभा विसाखा सिंह होरी होर किन्ने गदरी बाबे ने इतिहास के वर्के ने इंटरप्रिटेशन असी आप करनी है व्याख्या असी आप करनी है कोई किवें कर दूगा कोई किवें कर दूगा ये तुहाडे अंतर मन की एक एक जिज्ञासा एक दिलचस्पी है कि तुसीं इतिहास के वापरियां घटनावां नूं किवें लैंदे हो। जिवें लाला लाजपत राय ने कहा सी वो कहिंदा कि जिहड़ी इत्थे अणखी साहब बोल के गए ने इत्थे कि लड़ाई लड़ी इत्थों दे बाबिआं ने साडी आजादी दे लई इधर भी लड़ी साडे हक्कां दे लई जमीनां नहीं सी मिलदियां वो कहिंदे कि जिहड़ा इत्थे नस्ली भेदभाव है ना सिर्फ सिखां नाल हुंदा लाला लाजपत राय ने कहा कहिंदा भी ये बुझड़ जे दिसदे ने दाड़ियां इन्हां दियां मैले कुचले कपड़े दस्तारा इन्हां दियां सिर ते ये गल उन्होंने कही है लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो डॉक्टर सोहण सिंह भकना कहिंदे ने मेरी राम कहानी च ही है सारा कुछ वो कहिंदे ने कि नस्ली भेदभाव का वितकरा दस्तार करके दाढ़ी करके उस वेले तक सिखां नाल कोई नहीं सी होया जिन्हें भी एहोजे भेदभाव वाले फैक्ट्रिया चो कढ़े गए मुलाजम वो सारे टोपियां वाले तो जेंटलमैन से सारे स्पष्ट है। पर यह गल लाला लाजपत राय नूं कहनी नहीं सी चाहिए हैगी कि यह दस्तारा करके जां उदां करके उहदे चों उन्हां दे मन की जिहड़ी विचार है ना वो प्रगट हो रहा है स्पष्ट तौर पर प्रगट हो रहा है। ऐसे तरह सचिंद्र नाथ सान्याल भी स्पष्ट तौर के उत्ते अपनी जिहड़ी गदरी बाबे बारे गलबात उहदे च लिखते ने वो कि जिहड़ा साडियां सफा दे विच मुसलमान भाईचारे दे लोक ने ना उहनां दे लई असीं वक्खरे तौर के उत्ते असीं विचार वटांदरा करके ही उहनां नूं दूर रख रहे हैं वो क्योंकि बंगाल दे विच सब तो पहला जिहड़ी कहिंदे आ कि पछमी पढ़ाई दे आउण करके उत्थों दे लोक चेतन होने शुरू होए क्योंकि यह धारणा मन ली गई है कि जिन्हों ज्ञान नहीं है ना पढ़िया लिखा नहीं है जो बंदा वो अगवाई नहीं कर सकता है। हुण गदरी बाबे सारे जिहड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले सी ते लाला हरदयाल सिर्फ पढ़िया लिखा सी उन्हां दे विच इस करके उहदी यह धारणा बनेगी कि गदर लहर नूं खड़ा ही उसने किया यह धारणा बनी हुई है जदों कि तुहानू सारयां नूं पता है ठीक है एक एक समय दे उत्ते एक मौके दे उत्ते लाला हरदयाल ने उस पद्धर तक विचार वटांदरे मीटिंगां करनियां अखबार कढ़ना जां उस पद्धर ते योगदान है समूहिक तौर पर नतमस्तक आ गदरी बाबिआं नूं भावें सचिंद्र नाथ सान्याल ने भावें लाला हरदयाल है भावें बाबा सोहण सिंह भकना ने भावें सारे ने पर यह जिहड़ियां गल्लां मैं कर रहा हां इहनां दे उत्ते भी विचार वटांदरा करना बणदा संवाद रचाउणा बणदा गदर तां ही पैदा होगा ना मन दे विच इहदी कड़ी जुड़दी है।
घड़िया नाल घड़िया जुड़िया हुई ने, क्योंकि अज जो हालत है उत्थे गदर की लोड़ है। जिस वेले पंजाब दे विच गदर लहर पूरे जोर से फैली हुई सी तां जिहड़ियां अंग्रेज़ नूं मुखबरियां राही जानकारियां हासिल हो रही सन वह बहुत खतरनाक पद्धर दियां सन। अंग्रेज़ ने तकरीबन लगभग यह सोच लिया कि पंजाब तकरीबन हथियारबंद लहर की कगार ते है, ते अंग्रेज इस पद्धर तक घबर गया सी, इस पद्धर तक बौखलाहट सी कि उन्होंने उस वेले एक लीडर प्रोजैक्ट किया सिखां दा पंजाब दे विच, सुंदर सिंह मजिठिया, नानक सिंह ते सोहन सिंह शीतल होरां दे नावलां दे विच जिहड़े सरदारां बारे गल होई है ना, एक म्यां दो तलवारां च नानक सिंह दा नावल है, वह सरदार सुंदर सिंह मजिठिया है। ते एक सुंदर सिंह बब्बर मखसूसपुरी की एक किताब है बब्बरां दी दास्तान, बब्बरां दी कहानी जिहड़ी है, बब्बरां दा इतिहास, उहदे च भी उन्होंने स्पष्ट तौर के उत्ते लिखा सुंदर सिंह बब्बर ने कि जिहड़ा ननकाणा साहब का साका ना, उन्होंने सिर्फ ननकाणा साहब के साके की गल की है, पर मैं उस तो अगे गदर लहर नाल जोड़ूंगा वो गल। वह कहता कि सुंदर सिंह मजिठिए ने करवाया सी, बाद दे विच मैं खोज की जाके उत्तराखंड दे विच उधमपुर ते होर तराई दे खेतर दे विच उहदे बदले, क्योंकि उहदी नरैणू महंत दे नाल भाई वाली सी, नरैणू महंत नूं उत्थों बचा के कढ़िया सुंदर सिंह मजिठिए ने ननकाणा साहब तों, उहनूं बचा के तराई दे खेतर दे विच लै के गया जिथे मुरब्बा दित्ता अंग्रेज सरकार ने नरैणू महंत नूं, 1975 च उहदी डैथ होंदी है, ते ओ जिहड़ी थां सी उत्थे मजिठिए परिवार दीआं शराब दीआं फैक्ट्रियां लगियां होईआं ने हुण वी। ते ऐसे तरीके नाल एक चिट्ठी का जिक्र मेरी जानकारी दे विच आया, कोई खोज करन वाले होणगे तां ओह जरूर उत्थे चर्चा करन। अंग्रेज ने सुंदर सिंह मजिठिए नूं प्रोजैक्ट करके सिखां दे विच इह प्रभाव देण दी कोशिश कीती कि तुसीं सिख नौजवानी है जिहड़ी उहनूं फौज दे विच भर्ती कराओ, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी सी पहली विश्व जंग, ते जदों जंग खत्म होगी तां असीं पंजाब नूं आजाद कर देंगे, पंजाब नूं, भारत नूं नहीं, ते असीं पंजाब नूं आजाद कर देंगे, ते क्योंकि सिख फौज की लोड़ सी। 1,60,000 सिख फौजी पहली विश्व जंग दे विच शहीद हुंदा। सुंदर सिंह मजिठिए ने सरकार की झोली चुकते हुए तो होर सरदारा स्थापित किया, जेडे कहते हैं ना वो कि जदों बीबी उत्थे गुरु ग्रंथ साहब की पोथी लैके गई मत्था टेकन दरबार साहब अपने पति की फांसी की सज़ा सुनने तो बाद, मजिठिए का कागज सी उत्थे, जनरल डायर में सरोपे देने वाले उत्थे कागज सी, उन्हां दी तूती बोलती सी, हुण भी उही हाल है, हुण कौन है गुरुद्वारे ढोई जांदे ने, देखो हुण कि जनरल डायर तो जां हुण कि ब्रिटिश दे उहदे साम्राज्य तो घट ने, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। सो चिट्ठी का जिक्र मैं कर रहा, वो ब्रिटिश म्यूजियम दे विच पता लग्या सी मैनूं, मैं कोशिश करांगा उहदे ते खोज करन दी। सुंदर सिंह मजिठिए नूं चिट्ठी सी कि असीं पंजाब नूं आजाद कर देंगे, कि तुसीं सिख फौजियों नूं साडी फौज दे विच भर्ती कराओ। सुंदर सिंह मजिठिए ने पिंड पिंड जाके माझे दे विच ते होर बहुत थावां दे उत्ते लैक्चर किए, तो उहदे सरदारां ने भी जाके अंग्रेज सरकार की पुलिस नूं लैके पिंड दे मुंडिआं नूं अपील की कि तुसीं फौज दे विच भर्ती हो, जिहड़े तां हो गए ठीक है, दूजिआं नूं जबरदस्ती गिरफ्तार करके उन्होंने फौज दे विच भर्ती किया, छोटी छोटी उम्र दे 16-16 साल के नौजवानों सिख नौजवानों फौज के भर्ती किया, इस गल के पुख्ता सबूत मिलते हैं। 1918 जंग खत्म होती है, 1918 जो जंग खत्म होती है तो पंजाब के उधरों गदर लहर खत्म करवाई,
उधरों गदर लहर खत्म करवाई सुंदर सिंह मजीठिए ते उहदे झोली चुका ने अंग्रेज दे ते उधरों की किया कि एक सुरसराहट शुरू हुई चेतना की पंजाब दे विच जदों जंग खत्म हुई कि पंजाब नूं आजादी चाहीदी है खालसा राज वापस चाहीदा उस तरीके नाल उत्थे जदों ये गल जोर फड़न लगी क्योंकि पोटेंशियल सी गुरुद्वारा सुधार लहर चल रही थी उस वेले सिंह सभा लहर चली सी पोटेंशियल सी एक एक लावा सी जिहड़ा फट सकदा सी किसी भी वेले उस वेले जलियांवाले बाग कांड का साका होया कि तुसीं कदे मन दे विच विचार कीता कि अमृतसर दे विच धरती दी घाट सी कोई खाली थां दी उस वेले कि जिहड़ा जलियांवाले बाग दे अंदर एक छोटे जे रस्ते राही जिथे लोग जा सकते हैं जिहड़ा चारे पासे सारे पासे बंद है वह थां नूं क्यों चुनिया गया ये सोचण वाली गल है। तो जो उत्थे शहादत होंदियां ने पंजाबियां दी जलियांवाले बाग दे विच तां गांधी का एक बयान होंदा कि पंजाबियां दा जिहड़ा राष्ट्रवाद लई प्यार है पंजाबियां ने जिहड़ी राष्ट्रवाद की लड़ाई दे विच ये शहादतां ने हिस्सा पा के जंग शुरू कर दित्ती है वह सारी गल नूं राष्ट्रवाद नाल जोड़ दित्ता। तुसीं पुरानियां अखबारां कढो तुसीं देखो सो जरूरत है इस नूं विचार वटांदरे तहत लियाउण दी संवाद रचाउण दी जरूरत है एक गदर अपने मन दे विच पैदा करन दी जरूरत है जेकर एक गदर साडे मन दे विच पैदा नहीं होगा मैं बिल्कुल जिवें दस्सिया उहदा कोई नहीं फायदा होना। असी आजाद कराउणा असी सिर्फ पंजाब नूं नहीं आजाद कराउणा असी भारत ते कब्जा कर सकते हैं असी भारत नूं आजाद कर सकते हैं असी भारत वासियां नूं उन्हां दी जिहड़ी मंदहाली है उहतों आजादी दवा सकते हैं असी उन्हां नूं वधिया राज दे सकते हैं जे वधिया सोच वाले बंदे दे हाथ दे विच राज होवे तां मैनूं लगदा भारत दे बहुते पिंडां च हाले तक बिजली भी नहीं है मैनूं लगदा कि असी अमरीका तों वधिया मुल्क बना सकते हैं। सोचना पवेगा उस पद्धर ते सोचो अपनी मानसिकता नूं जिहड़ा संकीर्ण ना करो खुला खुला लैके चलो भारत ते राज करना भारत साडा ये जिक्र किया उन्होंने वो जिहड़े लोग ने डॉक्टर हेडगेवार ने जिन्हें जिहड़ी RSS की स्थापना की जां अरबिंदो घोष वर्गे जिहड़े लोग ने जिहड़े किते किते प्रोजेक्ट करते हैं उन्होंने लोगों को लोगों की जिहड़ी जथेबंदी है उहदी तां सरकार है हुण उत्थे हाले तक असी भगत सिंह जी का नाम बहुत लैने चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह ते रखने की बहुत डिमांड की बहुत प्रोटेस्ट भी किए बहुत उपर तक गल गए वो रखे नहीं ऊधम सिंह करतार सिंह सराभा जा गदरी बाबा बारे असं इतने तो मनाई जाने उत्थे भी थोड़े पद्धर के उत्ते मनाई जाने पर कागजा के कित गलबात नहीं है आनी नहीं आनी कॉमनवैल्थ मुल्कां दा हिस्सा भारत हाले तक वो राणी दी जिहड़ी है वह हुक्म अदूली नहीं कर सकता किसी भी सड़क का नाम किसी भी भवन का नाम सरकारी का जां किसी भी हवाई अड्डे का किसी इंस्टीट्यूट का नाम उन्हां योध्यां ते नहीं होगा क्योंकि वह उन्हां लई उस जिहड़ा सामराज आ उहदे लई अतवादी ने वक्खवादी ने नहीं होगा ये सच है बिल्कुल। सो ये एक जिक्र किया उन्होंने बहुत कुछ हो रहा भारत के हिंदुओं को बसों से कट कट मारा गया झूठे पुलिस मुकाबले हुए एक रसाला छपया सी सितंबर 1984 के सूर्या वह रसाले के दसिया कि किवें जिहड़ी तीजी एजेंसी है पंजाब दे विच हिंदुओं के कतल करती रही किवें उन्हां नूं सिखां दे नाम ते मरती रही किवें सारा कुछ हो रहा है उत्थे आ पुलवामा हमला होया किसी नूं कोई शक है स्ट्राइक कि सर्जिकल स्ट्राइक बारे किसी नूं कोई शक है
सारा कुछ पता, सारे नूं पता, पर ये सिर्फ ते सिर्फ वोटां दा जिहड़ा है राज है। इस वेले गदरी बाबे नूं सच्ची श्रद्धांजलि साडी यही होगी कि असी पंजाब दे पाणियां दी गल करिए, पंजाब दी मिट्टी दी गल करिए, पंजाब दी धरती दी गल करिए। एक बड़ी छोटी जी गल करन लगे, मेरियां भैणां बैठियां ने, पंजाब दे विच 1960 दे विच हरे इनकलाब का नारा दिता गया। 6% धरती है खेती योग, 6% धरती ते हरा इनकलाब आना सी, बाकी 94%। उत्थे शुरू तो ही 1960 तो पैराथायराइड एक जहर है, उहदी वख-वख नावां थले, वख-वख कंपनियां दे नावां थले कीटनाशकां नूं उह अगे तैयार करदे ने, पेस्टिसाइड्स उहदा स्प्रे हो रहा है 1960 तो ही। उह स्प्रे दी तुहाडे वी सुणन वाली गल है जी, उह जिहड़ा स्प्रे है ना, उह 3 पीढ़ियां बाद जिहड़ा है जहर, असीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਅਸੀਂ ਕੂਜੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਚ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਇਰੇਥਰਾਇਡ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। वह फिर उन्होंने उसकी जिहड़ी मैमरी है ना, हुण दो सकिंट की है वह मच्छी, सुनहरी मच्छी वह जिथे भी जाती है उन्होंने नवी थान लगती है, भुल जाती है। तो असी 1960 तो उही दवाइया इनहेल करने, खेत च जाने जी ऑक्सीजन मिलेगी ताजे, साडिया 4 पीढ़ियां हो चुकिया ने। तो वह असर पता की है, एक तो असं कुजे च बंद हो गए हैं, क्योंकि जे कुछ चो बाहर निकलोंगे फिर तो बरियाम संधु दी गल्लां समझ आ जाएगियां, मेरिया गल्लां समझ आ जाएगियां, जा जिहड़े साडे वडेरे ने उन्हां दीआं गल्लां समझ आ जाएगियां, वो कुछ ज। दूजी गल, जलंधर च 25 साल पहला एक फर्टिलिटी सेंटर खुलिया सी, उत्थों बेऔलाद जोड़िआं नूं बच्चा मिलदा सी। उदों जदों सानू जानकारी मिली कि हाँ जी बहुत वधिया होया जी, बहुत सारे उत्थों नेड़ेलिआं दे जानकार ने बच्चे लिआंदे, ते अज दी दास्तान मैं तुहानू दसदा कि उत्थे 30-35 जिहड़े, मेरा ख्याल ज़्यादा होणगे, 2 साल पहलां दी गल करदा, 30-35 फर्टिलिटी सेंटर ने उत्थे जिहड़े बच्चा दिंदे ने, लुधियाणे ने 30-35। ते अफसोस दी गल इह है कि 10-12 होस्पिटल बठिंडे ने फर्टिलिटी क्लीनिक। ते होर भी ज़्यादा अफसोस की गल ये है कि जिहड़ी मेरी भैन उत्थों बच्चा लैके आउंदी है, उहनूं ये नहीं पता कि जिहड़े बच्चे नूं दुध चंघा रही है उहदा प्यो कौन है। मेरे मन च गदर है, तुहाडे मन च पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाथ खड़ा करो। बिल्कुल, मैं अज इत्थे खड़ा, मैं नशा नहीं करता, मैं अपनी मिट्टी बारे जागरूक हाँ, मैं अपनी माँ करके हाँ। सो जिहड़ा काम तुसीं नहीं कर सकते मेरियां भैणां ते मावां कर सकदियां ने। मैं वड्डा होया, मैं डाकू वालियां फिल्मां देख के वड्डा नहीं होया, मैं आ सीरियल जिहड़े आउंदे ने उह देख के वड्डा नहीं होया, मैं अपनी माँ की गोद च बैठ के साखियां सुनियां ने। मेरी माँ दसदी हुंदी सी कि पुत्तर जदों चमकौर की गढ़ी की फसील के उत्ते गुरु साहब ने देखिया ना कि अजीत सिंह जा रहा 5 सिंघां नूं लैके चमकौर की गढ़ी चो निकल के बोले सोने हाल का जकारा गजा के, तो उहदियां अखां दे सामने उहदा अजीत सिंह नेजिआं दे नाल विन्निआ जा रही है उहदी छाती तीरां दे नाल, ते उहदे चेहरे ते मुस्कुराहट है, उहदे खब्बे पासे जुझार सिंह है, 14 साल की उम्र है जुझार सिंह दी, उहदा मुंडा दब के देख रहे ने, नाले समाइल है उहनां दे चेहरे दे उत्ते, वह मोटा इस करके नहीं दब रहे भी बच्चा छोटा भी घबरा ना जाए, वह इस करके दब के देख रहे हैं भी इन्ना मजबूत है, कल जथा इन्हें लेके जाना 5 सिंघां का, चेहरे पर मुस्कुराहट। 14 साल के बच्चे दे, बच्चे असी देखे वह लूई जी होंगी है बाल जड़े होंगे शरीर के, असी कहने भी हमने जवान होना शुरू हो गया, हम इन्हें खुराक खरूक लगी तकड़ा करिए,
ये खेडा च करूंगा फिर अगे घर वसाऊगा कुछ ना कुछ तगड़ा होगा। तो साडा दशमेश पिता जोर है भी किन्ने बैरिया मिध सकता। ये तुम बच्चे दसोंगे तो बच्चा नशा नहीं करेगा। ये माँ के हाथ चा मेरी भैन के हाथ चा जो सा बुजुर्ग हाथ के वक्री गल मैं खत्म कर लगे मैं खत्म कर लगे एक एक मिनट से मैं खत्म कर लगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम है साढ़े को 25 न्याणे साढ़े पे है जेडे असी उन्होंने 4 पॉइंट वाले सम्मानित करना साडा होर बड़ा प्रोग्राम है। तुहाडे विचार बहुत मनबुले आडे को बहुत खजाना आ असी तुहाडे को किसी होर अपने प्रोग्राम फतेह प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो बेनती है कि अपना विरसा इतिहास गदरी बाबा का इतिहास जिन्हिया किताबा पढ़ सकते हो कोशिश कराया करो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो कोशिश कराया करो कि कोई ना कोई जानकारी जिन्होंने साढ़े लिए जाना वारिया ने जिन्होंने अपनी मिट्टी लिए कुर्बानियां की ने उन्हां बारे जानकारी हासिल करिए। सानू अपनी मिट्टी बचानी चाहिए अपनी धरती बचानी चाहिए है अपने पानिया बचाना चाहिए अपनी भाषा को बचाना चाहिए। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। हाँ जी ये सन